दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी एकदम बढ़े हो। तो गाइस आज की वीडियो में जो गाइस मैं जितने भी पैकेट पीजी यूज करूंगा सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सिंपली आप वीडियो को देखने वाले डाउनलोड कर लेना। तो चलिए गाइस आज की वीडियो हम शुरू कर लेते हैं। सो गाइस पहले आप सभी को करना है गाइस इस बैकग्राउंड को आप सभी को सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस यार काफी मेहनत लगी यार बैकग्राउंड बनाने में, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है यार। क्योंकि यार आप एक एडिटर होता है समझ सकते हो बैकग्राउंड बनाने में कितना मतलब कितना हार्ड काम है यार बैकग्राउंड बनाना, तो यार आप समझ सकते हो, है ना। तो यार प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना। एंड गाइज उसके बाद गाइज आप सभी को करना क्या है, आप सभी को अपने मॉडल को ले लेना, ठीक है। सिंपली मैं गाइज अपने मॉडल को पहले लेता हूँ। एंड गाइज ये मॉडल भी तौकीर भाई हैं, ठीक है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन मैं भाई को बोलना चाहूँगा क्योंकि यार 1 मिलियन सब्सक्राइबर भाई के कंप्लीट हो गए। एंड अच्छी बात है यार, वो काफ़ी अच्छी वीडियोज़ बनाते हैं भाई, तो यार खुशी तो होगी भाई हमें भी, क्योंकि हम भी यार उनके ही मतलब उनके स्टूडेंट एक टाइप से देखा जाए तो, है ना। तो कोई नहीं, हो गए भाई के तो कॉन्ग्रेचुलेशन बहुत बहुत। एंड उसके बाद गए आप सभी को फोटो ऐड कर लेना, हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो हमने ऐड कर लिया। एंड उसके बाद गए आप सभी को करना क्या, एड फोटो में जाएगा आप सभी को लाइट का पीएनजी लेना है। एंड उसके बाद करने क्या गए आप सभी को ब्लेंडिंग मोड में जाना है, स्क्रीन कर देना है। एंड सिंपली आपको लाइट के बगल में यहाँ पर लगाना है, क्योंकि गए जो लाइट का रिफ्लेक्शन आपके ऊपर आए इस वजह से आपको ये लगाना है, ठीक है। सो उसके बाद गए आप सभी का काम रह जाता है आप सभी को। अब इसमें देना थोड़ा ग्लो इफेक्ट, तो उसके लिए गए आप सभी को करना टूल्स में जाना पड़ेगा। ओके सो टूल्स में चलते हैं एंड एडजस्ट में जाएंगे। एडजस्ट में जाने के बाद गाइस हम इसकी ब्राइटनेस को बढ़ा देंगे एंड जाएंगे इरेजर टूल में, इसको इन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। एंड ब्रशेस में जाएंगे, जूम करेंगे गाइस, ठीक है। एंड सिंपली हम यहाँ पे साइड में सॉरी पहले गाइस इसका आप साइज सेलेक्ट कर लेना। ओके सो पहले साइज को मैं पहले कर लेता हूँ। एंड इसका सिंपली आप सभी इस तरीके से एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ओके सो यहाँ पे ऐसे ऐसे दे देना। एंड इसके बाद गाइस सबसे क्या काम रह जाता है, इसको कर देना डन। एंड इसकी ओपेसिटी गाइस आपको अपने हिसाब से रख लेनी है, 5-6-9 तक जो भी रखना रख लेना। ओके गाइस सो उसके बाद गाइस सबसे क्या काम रह जाता है, इसमें करना है कलर करेक्शन। तो हम इसको पहले सेव करेंगे एंड कलर करेक्शन एंड शेडो बनानी, तो गाइस वो बनाएंगे हम लाइटरूम ऐप के अंदर। सो गाइस अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया यार, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि आप सभी के लिए रोजाना 2-3 कंटेंट में डालता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। सो गाइस इसके बाद ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी उसको डन कर देना है, ऐड फोटो में जाकर ऐड कर लेना है। एंड उसके बाद गाइस क्या कर देना है, आप सभी को फोटो को ओपन करना है। ओपन करने के बाद गाइस पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ शेडो गाइस हम कैसे बनानी, पहले जाना है इसमें सिलेक्टिव टूल में। गाइस अभी हम शेडो नहीं बनाएंगे, मैं बस आप सभी को बता रहा हूँ। सिलेक्ट टूल में जाने के बाद गाइस आप सभी को साइड में ऑप्शन दिख रहा होगा, उसमें जाना है, इसको इस तरीके से पकड़ के यूं लेकर आना है एंड एक्सपोजर को कम कर देना है। सो गाइस आप सभी को शेडो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो अभी हम कट करते, पहले हम इसको पहले यहाँ पे रीटच कर लेते हैं, फिर उसके बाद करेंगे। तो गाइस जाएंगे लाइट्स में एंड इसको कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देंगे, हाईलाइट्स को कम कर देंगे, शेडो को कम कर देंगे गाइस। ओके सो ब्लैक को भी थोड़ा कम कर देंगे एंड जाएंगे गाइस नीचे वाले टूल में। ओके सो मिक्स में जाएंगे, ठीक है। तो और ये ऑरेंज कलर को लेंगे, सैचुरेशन को कम करेंगे, ल्यूमिनस को बढ़ा देंगे। ओके गाइस सो ऐसे करेंगे डन। एंड जाएंगे गाइस नीचे वाले टूल में, फोटो क्लियरिटी को बढ़ा देंगे एंड गाइस विग्नेट डालना है गाइस, ठीक है। तो विग्नेट डालेंगे थोड़ा सा हल्का सा। ओके सो उसके बाद गाइस जाना नीचे वाले टूल में, फोटो की शार्पनेस को बढ़ा देना है एंड नो डायरेक्शन को भी बढ़ा देना है एंड थोड़ा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देना है एंड कलर नो डायरेक्शन को भी बढ़ा देना है, ठीक है। तो अब हमें बनाना है इसमें शेडो एंड नीचे ब्लैक लेग देना है। तो गाइस इसके लिए जाना है सिलेक्ट टूल में, साइड में प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है, थर्ड वाला ऑप्शन लेना है एंड नीचे से प्रेस करके ऊपर लाना है एंड गाइस लाइट में जाना है एंड एक्सपोजर को कम करना है। आई होप कि गाइस आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।